बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज जो है मैं बनाने लगी थी जी करेले प्याज की सब्ज़ी, लेकिन मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा आज सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो फिर इसको बनाने देते हैं और मैं रेसिपी आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी और ये सीख भी लेगी और मेरी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। और पता है कि आज वीडियो भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। आप स्टार्ट पता करें? चलो बेटा रेसिपी स्टार्ट करो अच्छा, ज़रा। पहले आप क्या करना है? करेले कट करना शुरू करो ना। अब आप अच्छा, तो ऐसे इसको, आप जरूरी नहीं है कि सेंटर से कट करो, आप इसको करेलों को ऐसे गोल भी काट सकती हो ऐसे ही। तो पहले कट कर लेती ना, लेकिन चलो अच्छा कट कर लो सेंटर से। अब ये फर्स्ट टाइम बना रही है तो जरा देखते हैं ना। ये पीछे का नहीं काटना इसके? हाँ ये भी हटाओ। इस तरह मैंने सारे काट के मैं चलो पहले रख ठीक है, देती। सारे कट करके रख दो ऐसे। चलो सेंटर से कट कर लिए। अब क्या करना है इसको? हाँ इसको ऐसे काटो, बीज हम रिमूव नहीं करेंगे, बीज हम साथ ही पकाएंगे। इसको ऐसे काट लो, और छिलके भी हमने मोटे इसके ऊपर काटने। से, हाँ बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखने, इनको बारीक बारीक इस तरीके से। हाँ बस कट कर लो। आज सारी चीज़ें तुमने खुद ही कट करनी है, मैं कुछ भी नहीं करके दूँगी। अच्छा ये कुकिंग ये करेगी और रेसिपी भी मैं आपको बताती जाऊँगी, और इस तरह से जो है ना ये पकाना भी सीख लेगी। काट लिया, अब क्या करना है इसमें? अब आप ऐसा करो, इसको जो है 1 टेबल स्पून जो है नमक डालो इसके अंदर। अच्छा रुको, नमक से ही होता है करेलों की जो कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब क्या करना है? तो अब इसको अच्छे तरीके से मसलो नमक लगा के, यानी मिक्स करो अच्छे तरीके से ना हाथों से। इसको मिक्स करके और इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि करेलों का जो सब नमक लगाते हैं ना हम, तो इसके जो पानी होता है कड़वाहट वाला वो सब पानी निकलेगा। फिर इसको वॉश भी करना होगा? हाँ जी, फिर आधे घंटे बाद हम इसको वॉश करेंगे। अभी आप बस इस तरीके से जो है ना आधे घंटे के लिए छोड़। कितनी प्याज है ये? हमने तकरीबन हमारे 3 पाव के करीब है ना करेले, आधा किलो से 3 पाव हैं, तो प्याज भी हमने उतनी ही लेनी है, 3 पाव हमने प्याज लेनी है। ठीक है, और ये 3 टमाटर और ये 4 हरी मिर्चें, इनको अभी हमने कट करना है ना? हाँ पहले प्याज कट कर लो बारीक बारीक, सारी वेजिटेबल्स कट होंगी ना सब कुछ, तो फिर फटाफट बन जाएगा। अब तुम ये कट करो। ठीक है, ओके। तो मैंने ये प्याज काट ली, ये वाली भी जरा इसमें डाल दूँ। प्याज कटोगे इसको साइड में रखो। टमाटर काटू? हाँ जी, अब आप ये टमाटर कट कर, कटेंगे नहीं ना? ऐसे ही काट लो, ऐसे ही काट, ऐसे ही कट करें आप टमाटर बारीक बारीक। इसमें हम डालेंगे जी 3 टमाटर, तो बारीक काटना है बस, रफली चॉप कर लो। अच्छा ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये पहली दफ़ा कुकिंग कर रही है, ये काफ़ी माशाल्लाह कुकिंग करती रहती है मेरे साथ साथ। ये हो गया टमाटर, अब हम काटते हैं हरी मिर्चों को। चलो हरी मिर्चें रफली चॉप कर लो। हरी मिर्च कट गई है, इसको भी टमाटर के साथ डाल दो। चलो अब सारी वेजिटेबल्स कट हो चुकी हैं। ऐसा करते हैं कि जो हमारे ये करेले नमक लगा के रखे थे इनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। चलो इनको वॉश करते हैं, ये देखो अच्छी तरीके से ना इसको 3-4 दफ़ा पानी से वॉश करो, इसका पानी ड्रेन कर दो इस तरीके से। फिर इसको अच्छी तरह हाथों से मसलो अच्छी तरीके से, इस तरीके से खूब अच्छी तरह मसल मसल के जो ना इनको धो। चलो इस तरीके से गाइस हम लोग ये करेले वॉश करके और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने इसको जो है ना स्टेनर में रख दिया है और नीचे एक बाउल रखा है ताकि इसका जो पानी है ना वो इसमें आ जाएगा, है ना? ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही है, थोड़ी देर इसको रखते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे ना? चलो जी कुकिंग स्टार्ट करते अच्छा हैं जी। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के जो है ऑयल, और ये हम यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, लेकिन आप लोग अगर दूसरा ऑयल यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ करें, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये ऑयल, ये सरसों का तेल। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सारा सामान इसने रखा हुआ है, और जो हमारे बॉटल्स हैं उनके ढक्कन सब खोल के रखे हुए हैं ताकि इसको जो है ना सामान निकाल के डालने में आसानी रहे। अब ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, ज़रा इसकी झल निकल जाए, फिर हम अपने करेले इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये ऑयल गर्म हो गया है हमारा, और इसमें ये करेले डालो वो ज़रा ध्यान से। अच्छा जी, इसको 13 से फ्राई करना है? बस मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है हमने करेलों को, इसको अच्छे से कुक करेंगे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हाँ इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आंच मैंने ज़रा अभी थोड़ी तेज करवाई है। चलो गाइस ये थोड़े से करेले फ्राई हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
थोड़ा सा और कलर देना है इसको अभी हमने ना, एक मिनट बस इसको और कुक करना, फिर हमने इसको निकाल के अलग कर लेना है। इसको फिर अलग करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्याज फ्राई करेंगे। आँच स्लो कर दो। हाँ, इसकी आँच स्लो करो। और अब ये करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छा सा, अब हम इसको अब निकाल लो प्लेट में। आप देख रहे होंगे इसके अंदर से मैंने बीज वगैरह कुछ भी रिमूव नहीं किए थे, ना इसके छिलके उतारे थे। करेलों को अगर असली इसके अपने बेनिफिट हमें चाहिए तो इसके बीज और जो इसका ये छिलका है इसको रिमूव ना करें आप। और ये इतनी ज़बरदस्त कोई चीज़ है, इतना फ़ायदेमंद है ना ये हमारी हेल्थ के लिए। थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है। बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसके अंदर हम करेंगे जी प्याज फ्राई। ये जो हमने प्याज काट के आधा किलो से तकरीबन 3 पाव के करीब हमारे पास ये प्याज है, उसी ऑयल में हमने प्याज, हाँ ऑयल आपने चेंज नहीं करना, जिस ऑयल में आपने करेले फ्राई किए हैं उसी ऑयल में प्याज को हमने फ्राई करना है। और इसको हल्का सा ज़रा गोल्डन सा कलर देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये प्याज हमारी जो है अच्छे से हो गई है। इसको हमने पूरी तरह ब्राउन नहीं करना, भूल जब मैंने बताया। हाँ जी, इसको गोल्डन ब्राउन जैसे हम मैंने कहा था ना, बस इस तरह कलर देना है हमें। कच्ची पक्की सी रखनी है प्याज। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, ये देखें, ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर। अब ये सारे हमारे टमाटर और ये हरी मिर्च है, ये भी हम साथ ही डाल देंगे। और जो हमारे बाकी मसाले हैं वो भी ऐड कर दो, वो भी सब साथ डालो। हाँ, सब कुछ साथ ही डालो। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। आपके डालें लाल मिर्चें, पीसी हुई लाल मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टीस्पून के करीब डाल दो। वैसे मेरे से आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ठीक है इतना काफी। हाफ टीस्पून हमने डाल दी इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्चें, ये कुटी हुई लाल मिर्च के इसमें 1/2 टीस्पून। ये 2 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला ले लो 1/2 टीस्पून। अच्छा, ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला चला गया, 1/4 टीस्पून हल्दी चली गई। अब और क्या रह गया? अब एक काम करो, अब इन मसालों को थोड़ा सा भून। नमक नहीं डाला? नमक, हाँ नमक नहीं डाला, नमक डालो। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। अब इन मसालों को थोड़ा सा हम भूनेंगे। तेज आंच पे या हल्की आंच पे? मीडियम आंच कर दो। अच्छा, बस बहुत ज़्यादा अभी इसको, इसकी भुनाई ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्की सी भुनाई करो इसकी। अब ये 2-3 मिनट हमने इस मसाले को भूना है। अब इसके अंदर करेले ऐड करेंगे जो हमने, अब ये जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे ये भी ऐड करते थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स करो। अच्छा, आँच थोड़ी हल्की कर दो अभी इसकी। अच्छा, आँच हल्की कर दी हमने इसकी, ठीक है। अब ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे जी इमली का पल्प। थोड़ी सी इमली को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, तो ये जो है ना आधा, ये देखें ये आधा आधा प्याला या आधा कप ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे, आधा कप से भी कम बस, ठीक है। और इसको अब हल्की आँच पे जो है ना कवर करके हम इसको, भूनना वूनना नहीं, नहीं भूनना नहीं है इसको, कवर करके अब हम इसको पकाएंगे 15-20 मिनट के। अच्छा, चलें ये अब हम देख रहे हैं करेले, बस हमारे अब थोड़ी सी भुनाई होगी इसकी। बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त से करेले प्याज की ये सब्ज़ी लग रही है, मैंने थोड़ा चखा था, बहुत मज़े के लग रहे हैं। अच्छा, तो इसको 15 मिनट पकाने के बाद उसके बाद भून लें। अब इसको भून लो, तेज़ आंच करो, दरमियानी आंच रखो बस। इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं, वो जो हरा धनिया रखा है वो भी डाल दो इसमें। इसको थोड़ा कुक कर लेंगे साथ ही। इसकी हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से भून चुकी है और ये रेडी हो गई है। फ्लेम इसका मैं ऑफ़ कर रही हूँ और अब हमारे करेले प्याज खाने के लिए तैयार हैं। तो सर्व करें। चलें जी, इसको ज़रा टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम। मज़े के लग रहे हैं ना? बहुत ही मज़ेदार और क्या कहना चाहिए, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप इस तरह की और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, यानी जो मेरी बेटी है मेरे साथ बनाए, तो बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।